दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिवेदन लेखन लाई हूँ। इसमें मैं प्रतिवेदन का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीथ हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण या समग्र जानकारी जो किसी अधिकारी या समिति आदि के सामने प्रस्तुत करनी हो। इस प्रकार यह एक लिखित विवरण होता है जिसमें किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को लेखा जोखा समेत होता है। प्रतिवेदन शब्द दो शब्दों के योग से बना है, प्रति और विद, जिसका अर्थ है किसी विषय में समांतर समिति जानकारी। किसी जांच समिति या आयोग दल द्वारा किसी विशेष मामले में जैसे किसी प्रकार का विवाद, घोटाले, प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकार के अनुदान, शिक्षा विभाग की अनुमति, औद्योगिक दुर्घटना, मिलावट की समस्या, दलित वर्ग की समस्या आदि के संदर्भ में प्रस्तुत विवरण या निष्कर्ष प्रतिवेदन कहलाता है। विद्यालय या किसी संस्था में किसी भी विषय से संबंधित पूछताछ, जांच, अवलोकन या छानबीन आदि के विवरण को भी प्रतिवेदन के अंतर्गत माना जाता है। विद्यालयों में होने वाले समारोह, प्रतियोगिताओं आदि पर भी प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। प्रतिवेदन की विशेषताएं। पहला, ये किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। दूसरा, इसमें सत्यता और प्रासंगिकता का पुट होना चाहिए। तीसरा, इसका विषय प्रकरण स्पष्ट होना चाहिए। चौथा, इसमें निष्पक्षता और प्रामाणिकता का समावेश होना चाहिए। पांचवा, प्रतिवेदक को निर्धारित विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। छठवां, प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए, इसके विस्तारण से बचना चाहिए। सातवां, इसमें नपीतुली शब्दवाली का प्रयोग होना चाहिए। आठवां, प्रतिवेदन पत्रा शैली या टिप्पणा शैली में लिखना अधिक उपयुक्त रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। Thanks for watching.